बता कर, तुरा है रास्ता हम सबको अता कर। दिखा वो रास्ता जो खो गया है, दिखा वो रास्ता जो खो गया है, तेरा इनाम जिन पर हो गया है। दुआ तुझसे यही करते हैं हम सब, न कर शामिल गज़ब वालों में या रब। काबिले क़दर मेहमानान गिरामी, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लाहौर आर्ट्स काउंसिल की तारीख और शुमाली इलाक़ात की तारीख में पहली मरतबा कौमी सतह पर मुनक़िद करदा प्रोग्राम खराकरम कल्चरल शो के इस खूबसूरत तकरीब में आपका मेज़बान मीर अमान हमज़ाई आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए और इसमें शिरकत करने के लिए शुमाली इलाक़ात के फ़नकार एक तवील मुसाफत तय करके यहाँ पर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। शुमाली इलाक़ात पाकिस्तान के शुमाल में 72,496 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ खूबसूरत इलाका है, जहाँ कुदरत ने हुस्न को बड़ी दिलकशी के साथ कैद किया हुआ है, जहाँ दुनिया के तवील तरीन और बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले, ग्लेशियर्स और कई फितरत के उम्दा नज़ारे मौजूद हैं। इसके अलावा शुमाली इलाक़ात में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं और हर ज़बान अपने अंदर एक बहर बेकरां ली हुई है। आज हमारी कोशिश होगी कि इस मुख्तसर से वक्त में चंद आइटम्स नमूने के तौर पर पेश कर सकें और रिवायत को बरकरार रखते हुए आगाज़ हम एक सकाफती धुन जिसे गलवार कहा जाता है और जिसका मकसद या मतलब किसी भी त्यौहार के आगाज़ का ऐलान है, हम अपने म्यूजिशियंस दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस गलवार के इस खूबसूरत धुन से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। Thank you.
डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल और डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स लाहौर आर्ट्स काउंसिल, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कराकोरम कल्चरल फोरम लाहौर के हमारे नौजवानों के साथ भरपूर तआवुन करके आज के इस शो को मुनक़िद करने में हमारी मदद फरमाई। हम गुजारिश करेंगे डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल लाहौर को कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कराकोरम कल्चर शो में तशरीफ़ लाए। यकीन जानिए कि मैं आज खुद बड़ा खुश हूँ कि एक ऐसे इलाके का कल्चर देखने का मुझे भी मौका मिल रहा है आप लोगों की तरह। आप लोगों ने तो बहुत सारे ये हसीन वादियाँ, ये खूबसूरत इलाके के लोग भी इतने खूबसूरत हैं और इतने प्यारे हैं कि वो यहाँ आकर उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। यकीन यानी हमारी इज़्ज़त है कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। हकूमत की सरपरस्ती में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब हकूमत की सरपरस्ती में हम आर्ट और कल्चर की तरावी के लिए, प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आप सब लोग खुशी से अपने घरों में जाएं और ये यादें लेकर जाएं कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल भी आपका अपना घर है। यकीन जानिए ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल आप लोगों का घर है। आप लोग जब भी तशरीफ़ लाएंगे तो हमारी ये मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप थोड़ी सी एंजॉयमेंट करें और ख़ुशी से वापस जाएं। आपके बच्चे खुश होंगे, आप लोग खुश होंगे। तो ब्राय करम आप आज तो बहुत सारे मेरे साथी जो हैं वो कराकोरम के इलाके गिलगित हंजा और बल्तिस्तान के इलाके के लोग हैं, वो कराकोरम शो के लिए ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए। मैं आपको दावत देता हूँ कि जब कभी भी आपका दिल करे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में किसी भी फंक्शन के लिए मेरे पास सीधे आइएगा। मैं आपको हर हाल में मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि खुदा की रहमत हो आप सब लोगों पर। मेरी नगमा सुनते हैं जिसका मफहूम ये है कि अगर प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती और इसकी तरक्की के लिए मुझे शहादत नसीब हो जाए या मुझे मौत आ जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। और इस मिली नगमे को पेश करने के लिए मैं शुमारी लाकजात की खूबसूरत आवाज़ को एक बहुत अच्छे फ़नकार को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि खुसूसन शीना जबान के सुनने वालों के दिल का धड़कन है। आपकी तालियाँ बताएंगी कि आप उस फ़नकार को कितना पसंद करते हैं। बहुत सारी तालियों में गुलाम नबी हमराज। वतन खुशी रे शामिल खुदा छुरो या तो शहादत नसीब हो या खुदा स्मरो मैं